क्या हाल चाल बच्चों? अच्छे हो सब लोग ना? बढ़िया बेटा, सब बिंदास झकास मस्त। चलो आगे पढ़ाई करें बेटा। तो कल हम लोग बेटा कूलर लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, है ना बच्चा? चलो और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चा? देखो देख बच्चा, क्वेश्चन क्या है देख बेटा। क्वेश्चन ये है, एक चार्ज यहां मान ले बेटा Q और एक चार्ज यहां मान ले बेटा Q, ठीक है? दोनों के बीच का बेटा डिस्टेंस हमारा है 2D, ठीक? इसके मिड पॉइंट से मतलब ये भी D और ये भी D, यहां से बेटा कुछ खास दूरी पे एक स्मॉल Q चार्ज रखा हुआ है ना? यहां से एंगल 90 डिग्री है बेटा। सवाल कहता है फाइंड फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना बेटा? एक्स की सारी वैल्यूज के लिए सबसे कम कितना हो सकता है बेटा फोर्स, मैक्सिमम कितना हो सकता है फोर्स, बनाओ। हाँ चेक करो बेटा सजन।
तो 2F, देखो बच्चों यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए बेटा आर डिस्टेंस से, ठीक है बच्चा। तो ये भी हमारा आर हो जाएगा, है ना। तो देख बच्चा यहां से फोर्स लगेगा ऐसे एफ, और यहां से ऐसे लगेगा एफ, बोलो बच्चा, ठीक है। ये एफ कितना होगा बेटा, एफ हो जाएगा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। अब देख अगर बेटा मैं इस एंगल को थीटा मान लू, है ना, ये भी हमारा एंगल क्या हो जाएगा बेटा, थीटा, ठीक है। तो बेटा इन दोनों फोर्सेस का क्या होगा रिजल्टेंट, बोलो बोलो, 2F cos थीटा, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा 2K क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखो बेटा इस ट्रायंगल में क्या होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा बेटा एक्स बाई आर। इसका मतलब ये हो गया 2K क्यू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ये बेटा आर क्यू। आर क्यू कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2 होगा बच्चा, देख लो अच्छे से होगा बेटा। तो अब देखो अगर मुझे इस फोर्स को मैक्सिमम करना है, सिग्मा एफ को बेटा मैक्सिमम करना है, तो क्या कहोगे, इसका डिफरेंशिएशन बराबर 0, बोल बेटा इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दे बच्चा, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा हो जाएगा 2K क्यू क्यू, इसका डिफरेंशिएशन बेटा, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, फिर माइनस, अब एक्स छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट करो 3/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर हाफ, है ना बेटा, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा बेटा 2x, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा हमारा वहां पे 2x, ठीक है, डिवाइड बाय हो जाएगा बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर क्यूब, दैट इज इक्वल टू बेटा 0, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा तो सॉल्व करके वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा एक्स इक्वल टू डी बाई रूट टू, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू डी बाई रूट टू, ठीक है बेटा। अब क्या करना, इस एक्स की वैल्यू पुट कर देना, है ना बेटा, कहाँ पुट करोगे, तो इसको पुट कर देना हमारा इस वाले में, तो क्या हो जाएगा बेटा देखो, तो हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 2K क्यू क्यू इंटू एक्स, एक्स हो गया बेटा डी बाई रूट टू डिवाइडेड बाई ये हो गया बेटा डी स्क्वायर बाई टू प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, दैट इज इक्वल टू ये हो गया बेटा रूट टू से रूट टू कैंसिल, ये हो गया रूट टू के क्यू क्यू, है ना बेटा, और यहां हो जाएगा डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देख यहां से हो गया टू पावर हाफ, टू पर आ जाएगा बेटा 2√2 और नीचे हो जाएगा 3 और पावर 3/2, ये हो जाएगा बेटा 3√3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4K क्यू क्यू बाई 3√3 d² ठीक है बच्चा, लिख ले इसको, नोट कर ले बच्चा। जयस पूछ रहा है आपके हिसाब से जेई पोस्टपोन होने चाहिए या नहीं,
देख बेटा, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, ये होने का तरीका कुछ और होना चाहिए, यही होना चाहिए, लेकिन इनको अपना एग्जाम करने का तरीका बदलना चाहिए, इनको अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। वो तरीका क्या हो सकता है आई डोंट नो, लेकिन आप भैया इतने बड़ा एग्जाम चला रहे हो तो आपके पास कुछ आइडिया होना चाहिए कि कोई नए तरीके से एग्जाम कैसे लें। रिस्क तो है बड़ा, ये तो बात है। चलो इरेज कर रहा हूं बच्चों, इरेज कर रहा हूं बेटा। देख बेटा अगला सवाल देखना बेटा, अगला हमारा सवाल है कि एक स्ट्रिंग मान ले बेटा, एक सीलिंग मान ले, इस सीलिंग से दो स्ट्रिंग लटके हैं बेटा, इस सीलिंग से दो स्ट्रिंग लटके हैं, है ना, इसमें इधर से एक चार्ज पार्टिकल और एक इधर से चार्ज पार्टिकल, ठीक है बेटा, इस तरफ का जो एंगल है बेटा ये अल्फा है और इस तरफ का एंगल जो है बेटा वो बीटा है, है ना, इन दोनों का मास 20 ग्राम बेटा, ठीक है बेटा, इसका ये चार्ज क्यू लेकिन इसका ये चार्ज 2q, ठीक है बेटा, रस्सी की लंबाई जो है ये हमारी है बेटा 1 मीटर, रस्सी की लंबाई है बेटा 1 मीटर, ठीक है, ये भी हमारा कितना मास है बेटा 20 ग्राम, ठीक। तो पहला सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, बी ऑप्शन अल्फा इज लेस देन बीटा, तीसरा ऑप्शन अल्फा इज मोर देन बीटा, है ना बेटा, चौथा ऑप्शन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, चलो ठीक है बेटा, और पांचवा ऑप्शन अल्फा इक्वल टू बीटा, समझा ना बेटा, चलो बोलो तो कौन सा होना चाहिए आंसर, ऑप्शन चुनो, सीएम ने ऑप्शन दिया अपना, नवाजुद्दीन ने भी दिया, लेकिन दोनों ने अलग अलग दिया, अभी तक के ऑप्शन दो ही तरह के आ रहे हैं, थर्ड भी आए, इस सवाल में एक क्लियर है बेटा कि यहां से यहां की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन जो है ना बेटा, ये लाइन हम कंफर्म जानते हैं कि लाइन ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, देखो बच्चा इस सवाल क्या सोचेंगे हम लोग, देख बेटा सोचेंगे ये हम लोग, है ना बेटा, कि देखो इसके वजह से ऐसे लगेगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यूं लगेगा बेटा mg, यहां से ऐसे लगेगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, और यूं लगेगा mg, बोल बच्चा, राइट ना, अब तो खुद सोच के बता बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी, बोलते बेटा, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी, अरे बदमाश सेम ना होगी रे, एक्शन रिएक्शन तो बराबर ना हमेशा होता है, एक्शन रिएक्शन बेटा हमेशा बराबर ना होता है बेटा,
इसका मतलब देखो दोनों तरफ फोर्स एक जैसा ना हो गया बेटा। अगर दोनों तरफ फोर्स हमारा एक जैसा है तो एंगल भी सेम होना चाहिए बेटा, तो आंसर डी होगा। बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर दिया था, ठीक है बेटा। अब चलो अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन है ना बेटा, पिछले वाले सवाल में अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है बच्चा। तो सवाल है फाइंड क्यू, ठीक है बेटा। तो क्यू का वैल्यू बताओ करो, सेम क्यों होगी? अरे बेटा कनक, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन फोर्स तो हमेशा बराबर ना होता है बेटा। रस्सी की लंबाई दोनों तरफ 1 मीटर है, और तुम सोचो रस्सी की लंबाई तो 1 मीटर ही है दोनों में, एक्सेलरेशन तो डिफरेंट होगा। क्यों बेटा? एक्सेलरेशन दोनों का मास बराबर ना बच्चा, इक्विलिब्रियम में है बेटा, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। एंगल बेटा कोई फिक्स एंगल तभी ना बोल पाओगे, है ना, जब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है बच्चा। अभी का आंसर आया बाकी लोग करो। चलो बच्चा मैं करता हूं, तुम मैच करना आंसर। देखते बच्चा मैंने कहा कि ये अगर हमारा टेंशन टी है ना बेटा, तो यहां से कंपोनेंट हो जाएगा बेटा क्या, देखो ये अगर हमारा टेंशन टी है बेटा और ये एंगल हमारा बीटा है, तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, टी कॉस बीटा है ना बेटा, और टी साइन बीटा, बोल बेटा होगा। तब क्या कर देंगे, t cos बीटा बराबर mg और t sin बीटा बराबर f, ठीक है बच्चा, है ना। अब एक तरीका ये भी सीख बेटा कि देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो रहा है बच्चा, तो देखो अगर ये सब हमारा कैंसिल हुए बेटा, अगर हमारा ये सब कैंसिल हुए, इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए बेटा वो ऐसा होना चाहिए, बोलो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा बेटा, तभी नहीं ये दोनों कैंसिल होगा, समझे बेटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ऐसा है बेटा, तो ये भी हमारा कितना एंगल है बोलो, ये भी हमारा है बेटा 30 डिग्री, है ना। तो देख बच्चा अगर वो एंगल हमारा 30 है, तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे बेटा tan 30 इक्वल टू कितना बेटा बोलो, tan 30 इक्वल टू कितना, तो कहेंगे tan 30 इक्वल टू f by mg, है ना बेटा। इसका मतलब f कितना हो गया,
एफ हो गया के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। देख बेटा ये भी 30 ये भी 30 तो फिर ये भी कितना हो जाएगा डिस्टेंस 1 मीटर ना, क्योंकि ट्राइंगल बन जाएगा बेटा इक्विलैटरल है ना। तो ये हो जाएगा बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू एम जी। एम जी कितना बेटा, तो मास था बेटा 20 ग्राम, तो 20 × 10⁻³ × 10 और 10⁻³० की वैल्यू बेटा 1/√3। ठीक है बेटा, इसका मतलब 9 × 10⁹² इक्वल टू 0.2 1/5 √3 है ना बेटा। इसका मतलब क्यू वी स्क्वायर इक्वल टू 1/18 90 √3 × 10⁻⁹ या कर दे बेटा 1/9√3 × 10⁻¹⁰। इसका मतलब बेटा क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 9√3 × 10⁻⁵ कूलम। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। हाँ बेटा उसे भी कर सकते हैं अनिकेत, सही बोला तुम। बनाओ 2³² कैसे हुआ? अरे बेटा q1 q2 ओ सॉरी ये नहीं है, स्क्वायर नहीं है बेटा, ये
गजनवी का आया, नवदीप का आया, जयेश का आया, साखी का आया। मैं नहीं बोलना बेटा गलत, तो सही आया, तुम तो खुद सोचो। मैं बोल रहा हूं मैंने आया आंसर। सृजन ने भी दिया आंसर कुछ। अनिकेत, तथागत, क्वाजी। देख बच्चा मैं करता हूं, देख बच्चा पहले मुझे बताओ, हम लोग कूलम्स लॉ के क्यू वन क्यू टू बाई आर ए स्क्वायर डायरेक्टली कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोल तो बेटा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर ए स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है बेटा। ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये रॉड है ना बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, इस पूरे रॉड को तो पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते हम, असंभव है ना बेटा। लेकिन अगर हम इसी रॉड पे, अगर बेटा हम इसी रॉड पे एक छोटा सा मान ले बेटा एलिमेंट, अगर ये छोटा सा एलिमेंट मान ले है ना, तो इसको तुम भले ही बोल सकते हो पॉइंट चार्ज। बोलो बच्चा, है ना। तो क्या करेंगे देखो, हम कहेंगे मान लिया कि यहां से एक्स की दूरी पे ये जो मेरा एलिमेंट है बेटा, ये जो मेरा एलिमेंट है, इसकी लंबाई है dx, है ना बेटा। ठीक है, तो बोल तो बेटा ऐसे बोलेगा कि फॉर एलिमेंट dx, है ना बेटा, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू dx, है ना बेटा। 1 मीटर का चार्ज लैम्डा, तो dx मीटर का चार्ज लैम्डा इंटू dx। ठीक है बेटा, अब तुम बोल सकते हो इन दोनों के बीच का फोर्स, है ना बेटा। तो क्या हो गएंगे, डीएफ इज इक्वल टू के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बोल बेटा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। तो अब तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो डीएफ हमारा है, ये हो गया के क्यू लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, सो एफ क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू लैमडा। बाहर निकाल ले बेटा, के क्यू लैमडा, देख बेटा बाहर निकल गया, बच गया dx बाई एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। लिमिट क्या होगा, यहां से स्टार्ट है बेटा एल से, कहां तक जाना है हम लोग को, 12 तक। तो इसको इंट्रीगेट कर बेटा, तेरा आंसर आ जाएगा के क्यू लैमडा डिवाइड बाई 12, ये तुम्हारा आएगा बेटा आंसर, है ना। लिख ले,
बनाओ। अबे प्रताप, तुम्हारा प्रॉब्लम जिनवीन है बेटा, लेकिन मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता। तू बेटा कस्टमर केयर को, हेल्प डेस्क को फोन कर या ईमेल कर, मेरे पास का कोई सलूशन है बच्चा। अबे बेटा क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा इसमें। आई डोंट हैव द अथॉरिटी। एसएस जेनफोन सर ग्रेविटेशन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा है, फिर वो 11th में क्यों पढ़ाते हैं? 11th में है तो जरूर, लेकिन हम लोग बेटा 12th में ही पढ़ाते हैं ग्रेविटेशन। हम लोग ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जस्ट बाद पढ़ाते हैं। तुम्हें भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन। सीएम यादव फर्स्ट तुम्हारा सही है, अली हैदर चेक करो सेकंड पार्ट। राखी, अनिकेत, दीपक, यस, रजन, यस, करण, उज्जवल,
इतने लोग का आंसर आया। चलो मैं करता हूं बेटा, देखो देखते बेटा, हमसे पूछा गया है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द रिंग, है ना बेटा। तो देखते बेटा, अगर मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से बेटा इस रिंग पे अगर फोर्स देखूं बेटा, है ना, तो कैसे दिखेगा बेटा, देख। कहोगे इसके वजह से ऐसे फोर्स, यहां से ऐसे फोर्स, यहां से ऐसे फोर्स, बोल बेटा। हर जगह से फोर्स लगेगा ना, बोलो। जब हर जगह से फोर्स लगेगा तो फोर्स के डायग्राम पे अगर गौर करो बेटा, तो तुम क्या पाओगे कि हर पेयर में इक्वल अपोजिट फोर्स है बेटा, बोलो। हर पेयर में हमारा इक्वल अपोजिट फोर्स है, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, है ना बेटा। सब क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट बेटा जीरो हो जाएगा, है ना बेटा। इन सब का रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा बेटा। तो ए हमारा तो आंसर हो गया बेटा, क्या, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा बी पे सोचा जाए बेटा, है ना। तो देख बेटा, ए का तो बिल्कुल समझ गया, आ गया होगा बेटा कि फोर्स जीरो होगा, है ना, ठीक है। लेकिन बी के बारे में सोचो बेटा, अगर अंदर से ऐसे चारों तरफ रिपेल होगा बेटा, तो रिपल्सन की वजह से उस रिंग में तनाव तो आएगा ना बेटा, बोलो, खिंचाव सा आएगा ना। तो पूछा है बताओ वो खिंचाव का फोर्स कितना होगा, है ना बेटा। तो उस खिंचाव के फोर्स को निकालने के लिए मैंने क्या किया बेटा, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया, है ना, ये छोटा सा एलिमेंट चूज किया। और क्या सोचा इसके बारे में, देखो मैंने कहा बेटा कि मान लो कि ये एलिमेंट बहुत छोटा है, ये एंगल डी थीटा है ना बेटा। तो देखते बेटा, इस वाले एलिमेंट के बारे में सोचो, है ना, तो क्या कहोगे बेटा कि इस एलिमेंट को इस सेंटर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रहा है बेटा, ऐसे नहीं मिल रहा होगा, बोलो, फोर्स डीएफ, बोलो बेटा, है ना। तो अब सोचो कि ऐसे फोर्स लगने के बावजूद क्या ये एलिमेंट बाहर भाग रहा है बेटा, बाहर नहीं भाग रहा है ना, क्यों नहीं भाग रहा। तो कहोगे देखो, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे दोनों तरफ से बाकी रिंग इसको पकड़े हुए है, है ना बेटा, पकड़े हुए है। तो इसके वजह से ऐसे दे रहा है टेंशन टी, और यहां से ऐसे दे रहा है टेंशन टी, बोल बेटा, है ना। और इस दो टेंशन की वजह से ये बॉडी मूव नहीं कर पा रहा, है ना बेटा, ठीक है। तो अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो यूं बोलेगा बेटा कि इस टी को आगे बढ़ाओ और इस टी को बेटा आगे बढ़ाओ, है ना, ठीक है। तो अब बताओ बेटा, इन दोनों में कितना एंगल हो गया, ये एंगल हो जाएगा बेटा 180 माइनस डी थीटा। तो इन दोनों टी का रिजल्टेंट अंदर आएगा, कितना आएगा, 2t cos 180 माइनस डी थीटा बाई 2, है ना बेटा। जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट होता है बेटा 2a cos थीटा बाई 2। तो यहां हो गया 2t cos थीटा बाई 2 शुड बी इक्वल टू df। ध्यान देना बच्चों, ये हो जाएगा 2t sin डी थीटा बाई 2 इक्वल टू df। क्या हो जाएगा बेटा, k Q, इसका चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। देखना 2t, ये बहुत छोटा एंगल है बेटा, तो बहुत छोटा एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू बेटा, इस पे चार्ज, है ना। तो पूरा कितना एंगल है, बोलो बेटा, ये पूरा एंगल है 2π, ये पूरा एंगल कितना है बेटा 2π, और चार्ज क्यू, तो एक रेडियन में कितना चार्ज, तो क्यू अपॉन 2π, तो डी थीटा में कितना चार्ज, तो इनटू डी थीटा, बोल बच्चा, ठीक है। अब देख बेटा, यहां से हमारा ये डी थीटा और ये डी थीटा कैंसिल हो गया, 2 कट गया, तो टेंशन क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 2πr², है ना बेटा। तो अंदर से रिपल्सन की वजह से इस वायर में इतना टेंशन बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। लिख ले बेटा, thank you.
लास्ट से सेकंड स्टेप में देख बेटा, जब एंगल बहुत छोटा होता है ना बेटा, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक बेटा। अब मैंने कहा डी क्यू का मतलब बेटा, डी क्यू का मतलब इसका चार्ज है ना, तो मैंने कहा पूरे में चार्ज कैपिटल क्यू, एंगल है टू पाई, तो टू पाई में क्यू चार्ज, तो वन रेडियन में क्यू बाई टू पाई, तो डी थीटा में कितना चार्ज, तो क्यू बाई टू पाई इंटू डी थीटा, ठीक है बेटा। अरे बच्चा ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है और ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल डी थीटा है, तो ये कितना होगा, तुम खुद सोचो बच्चा। अब अगला सवाल देख बेटा, अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन देखना बेटा, 2 स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टर्स है ना बेटा, प्लेस्ड एट सेपरेशन 1 meter रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं बेटा, विथ ए फोर्स 20 newton है ना बेटा, जो रिपेल नहीं इसको कर लेते हैं अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 20 newton है ना बेटा, इफ दे कम इन कॉन्टेक्ट, वो दोनों जब एक दूसरे को टच करते हैं है ना, एंड अगेन प्लेस्ड, एंड अगेन प्लेस्ड एट सेम सेपरेशन, फिर से उतने ही दूर पे रख दिया बेटा है ना, देन दे रिपेल, अब क्या करेंगे, वो रिपेल कर रहे हैं ठीक बेटा, विथ ए फोर्स 5 newton, फाइंड देयर चार्जेस, ठीक है बेटा, उनका चार्ज क्या क्या है, कैलकुलेशन में कुछ अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो तुम, कर लेना बेटा, कैलकुलेशन में कोई अप्रोक्सीमेशन करना हो तो कर लेना है ना। चल रुको, तो डाटा आसान कर लेता हूं, रुक जाओ डाटा थोड़ा आसान कर लेता हूं, एक मिनट रुक जाओ। तो मुश्किल हो जाएगा, चलो सही करवाओ, अप्रोक्सीमेशन कर लेना, वो भी सीखना इंपॉर्टेंट है बेटा, वो भी सीखना इंपॉर्टेंट है, कर लो। कैलकुलेशन में भी अप्रोक्सीमेशन सीखना चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर्स मैच करा सकें।
आइए उसका आंसर आ गया। शिवम का भी आंसर आया कुछ? चलो बच्चों आगे देखें। देखते बेटा पहले इसमें क्या हुआ बोलो, पहले इसमें बेटा अट्रैक्शन हुआ, बेटा पहले इसमें अट्रैक्शन हुआ ना, अट्रैक्शन हुआ इसका मतलब, अट्रैक्शन हुआ बेटा इसका मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा हमारा नेगेटिव है। बोल बेटा, एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, लेकिन कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव मुझे नहीं पता, है ना। तो चलो मैंने मान लिया कि ये चार्ज हमारा पॉजिटिव बेटा और ये हमारा नेगेटिव, ठीक है, तो इसके बीच में अट्रैक्शन है बेटा, तो क्या लिखोगे, लिखोगे के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 20 न्यूटन। इसका मतलब बेटा क्यू क्यू इक्वल टू 2/9 इंटू 10 to the power कितना बेटा, बाय 9 नीचे होगा माइनस 9 ऊपर जाएगा तो -8। बोल बेटा होगा, होगा बेटा, ठीक है। अब देखो नाउ आफ्टर बीइंग इन कॉन्टेक्ट, है ना बेटा। अब कोई मुझे बताओ कि यहां पे आइडेंटिकल का मोटिव क्या है, तो क्या कहोगे, अगर कंडक्टर बेटा आइडेंटिकल होते हैं तो चार्ज फाइनली क्या होता है, दोनों में सेम हो जाता है ना बेटा, तो फाइनली दोनों में चार्ज सेम हो जाता है ना बेटा। बोल, ठीक है, तो क्या कर देगा इसको, इसको कर देगा बेटा एक पे चार्ज क्यू और वो स्मॉल क्यू, है ना, तो नेट चार्ज कितना हो गया क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना बच्चा। तो अब चार्जेस क्या हो जाएंगे बेटा, अब हो जाएंगे चार्जेस क्यू माइनस क्यू बाई टू ईच, दोनों में होगा बेटा इतना ना, तो क्या लिख देगा इसको अब के, है ना, इंटू क्यू इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, फिर से था ना बेटा सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 न्यूटन। बोल बेटा, क्वेश्चन में कहा था ना ऐसा बेटा, देख लो अच्छे से, तो क्या हो जाएगा बेटा अब हो जाएगा ये क्यू माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/, इसे डिवाइड हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू, ये हो जाएगा बेटा कितना 4 हो जाएगा ना 4, तो कितना हो गया बेटा ये हो जाएगा 2/9 × 10⁻⁶ कितना बेटा, ये भी हो जाएगा -8, इक्वेशन नंबर 2। बोल बेटा होगा, देख लो अच्छे से, होगा ना बेटा, ठीक है। अब देखना बेटा, अगर मैं दूसरे वाले में ही, अगर मैं दूसरे वाले में ही इसमें इसको लिखूं q माइनस q, तो कितना हो जाएगा ये √2/3 इंटू 10⁻⁴ होगा ना बेटा। चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो,
इसको इक्वेशन नंबर थ्री बोल दो। अब बोल तो बेटा ऐसे बोल सकता है क्या, q प्लस q का स्क्वायर इक्वल टू q माइनस q का स्क्वायर प्लस 4qq, बोल तो बेटा बोल सकता है ऐसे, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना बेटा। ये कितना हो गया, ये हो गया 2/9 इंटू 10^-8 प्लस, ये कितना हो जाएगा बेटा 8/9 इंटू 10^-8, है ना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10/9 इंटू 10^-4 -8, है ना बेटा। ठीक है, इसका मतलब q प्लस q इज इक्वल टू √10/3 इंटू 10^-4 इक्वेशन नंबर 4, है ना बेटा, बात समझा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, q और q निकल जाएगा ना। अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा 3 नंबर को और 4 नंबर को, तो कैपिटल Q क्या हो जाएगा, मैं देखो मेरा ये हो जाएगा बेटा √10+√2/3, है ना, a प्लस बी बाय 6 हो जाएगा, ये बाय 6 इंटू 10^-4 कूलम, है ना बेटा। और स्मॉल q कितना होगा बेटा, √10-√2 cube/6 इंटू 10^-4, है ना बेटा, समझा। तो देख बेटा कौन प्लस था और कौन माइनस था ये तो मुझे पता नहीं, है ना बेटा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कह देंगे प्लस माइनस और इसे कह देंगे माइनस प्लस। अगर ये प्लस तो ये माइनस और ये माइनस तो ये प्लस। ठीक है बच्चा, लिखो लिख ले बेटा। लक्ष्य पूछ रहा है q-q/2 क्यों लिखा, 1 पे 10 1 पे -2 टोटल चार्ज हो गया 8, दोनों में 4 बढ़ जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा लक्ष्य, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो q+q/2 हो जाएगा। एक अनचार्ज बॉडी होती तो बेटा, स्मॉल बॉडी है ना, तो अभी इसके बीच में बहुत कम फोर्स लगेगा बच्चा, है ना। अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों के बीच का फोर्स बहुत कम हो जाएगा बेटा, तो इनिशियल फोर्स 0 हो जाता ना बेटा, उस केस में टेंडिंग टू 0 होता ना। बेटा वो स्पेशल केस है, तुम जो बोल रहे हो ना बच्चा, वो एक स्पेशल केस है ना, उस पर मत सोचो।
चलिए रेस कर रहा हूं बच्चा, एक क्वेश्चन करो। देख बेटा इस क्वेश्चन का एक स्पेशल मोटिव है ना। देख बेटा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये है बेटा कि एक चार्ज ये मान लो और एक चार्ज ये मान लो, ठीक है बेटा। ये चार्ज कितना कितना, ये हमारा है बेटा प्लस वन कूलम और ये हमारा है माइनस वन कूलम, ठीक है बेटा। दोनों के बीच की दूरी जो है बेटा वो एक मिलीमीटर है, दोनों के बीच की दूरी बेटा एक मिलीमीटर, बहुत कम। और अब इसके सेंटर के लाइन से, अब इसके सेंटर के लाइन से है ना बेटा, इसी लाइन पे आगे एक चार्ज रखा है बेटा, ये रखा है चार्ज हमारा मान लेते हैं फाइव कूलम, ठीक है बेटा, है ना। चार चलो रुको रुको, इसको कर लेते हैं माइनस वन मिली कूलम, इसको भी कर लो प्लस वन मिली कूलम, और इसको कर लिया मैंने फाइव माइक्रो कूलम, एक दूसरे से दस मीटर दूर है ना बेटा, है ना। दूरी कहां से कहां है ये, तो देख बेटा दूरी हमारी कहां से कहां है ये, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से दूरी है बेटा ये दूरी, ठीक है बच्चा, है ना। चलो इसको मान लेते हैं हम दो मिलीमीटर, थोड़ा कैलकुलेशन में तुमको आसानी हो जाएगा। सवाल ये है फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 5 माइक्रो कूलम। कर तो बच्चा, इसका आंसर जीरो नहीं बोलना, इसका आंसर जीरो बिल्कुल नहीं बोलोगे, हाँ वैल्यू बहुत छोटी होगी और तुम निकालो इसको, जितनी छोटी वैल्यू होगी वही निकालो। अली इधर का आया आंसर,
राखी का आंसर आया, अभी का आंसर आया, दक्ष, अनिकेत, शिवम, एसएस, देख बच्चा, ने कहा है कि देखना बेटा, मतलब बोलेंगे बेटा ऐसा कि इस पॉजिटिव वाले के रेस्पेक्ट में, इस पॉजिटिव से देख बेटा, ऐसे लगेगा रिपल्सिव फोर्स एफ पॉजिटिव है ना बेटा, और नेगेटिव वाले से ऐसे होगा अट्रैक्टिव फोर्स एफ नेगेटिव है ना बेटा। तो बताओ इन दोनों में कौन डोमिनेट करेगा, बोल बेटा इन दोनों में कौन डोमिनेट करेगा, बोल बच्चा इन दोनों में कौन डोमिनेट करेगा, एफ नेगेटिव आना बेटा, एफ हमारा नेगेटिव ने करेगा बेटा, क्योंकि ये पास है ना, ठीक है। तो क्या कर दोगे, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एफ नेगेटिव माइनस एफ पॉजिटिव है ना बेटा। एफ नेगेटिव कितना बेटा, तो क्या कहोगे इसके वजह से, देखो ध्यान देना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना बेटा, वन
माइनस 1 मिलीमीटर का स्क्वायर माइनस ऑफ 9 × 10⁻¹, 10⁻³ इंटू 5 × 10⁻¹ डिवाइड बाय 1, ये हो जाएगा प्लस 10⁻³। बोल बेटा, राइट ना? देखते बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा कैंसिल है ना बेटा, ये दोनों हमारा कैंसिल। अब दोनों में बेटा 45 कॉमन ले लो, जब 45 कॉमन ले लोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10⁻³ का पावर माइनस 2, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 10⁻³ का पावर माइनस 2। बोल बेटा होगा। अब देख बेटा बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर ले इसमें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45 ऑफ, ये हो जाएगा बेटा 1 के बाद प्लस 2⁻³ माइनस ऑफ 1, ये भी हो जाएगा बेटा प्लस 2 × 10⁻³ है ना बेटा, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 19 × 10⁻³, इसका मतलब 0.9 है ना बेटा। बोलो सॉरी 10 था ना रे, एक मिनट बेटा, ये 10 था, रुक जाओ, ये 10 था ना बेटा, ये 10 था, तो 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे है ना बेटा, तो यहाँ पे 45 बाई हो जाएगा बेटा 100 है ना, और ये हो जाएगा बेटा -4, ये हो जाएगा बेटा -4 है ना बेटा, ये भी हमारा हो जाएगा 45/100 और ये हो जाएगा बेटा -4, ये हो जाएगा बेटा -4, ठीक है, तो ये हो गया -4 और डिवाइड बाई बेटा हो गया 100, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 9 × 10⁵ न्यूटन है ना बच्चा। देखो सही से एक बार तुम लोग भी चेक कर लो बेटा, कैलकुलेशन तुम भी चेक कर लो, 10 यहां से कॉमन निकाल लिया है ना। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन ऐसे करते हैं बेटा कि 1 प्लस एक्स का पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, बशर्ते एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए, ये है ना बेटा बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, समझ गए बेटा। देख ले बच्चों, एटीन आएगा क्या देखें, हाँ 2 2 छूट गया ना, 2 2 4 हो जाएगा ना बेटा, 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180, सही बोला, ये हो जाएगा बेटा 18, ठीक बेटा ऐसे आया कि 10 के स्क्वायर को कॉमन लिया, 10 को कॉमन निकालेंगे और स्क्वायर भी है ना, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो देख बेटा इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें यह सिखाना चाहा बेटा कि देखो इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी बहुत छोटी है ना, अगर इसको तुम एक सिंगल बॉडी मानते हो बेटा है ना, तो कहोगे ना इस सिंगल बॉडी पे नेट चार्ज 0 है बेटा, बोलो कहोगे ना बेटा उस सिंगल बॉडी पे नेट चार्ज हमारा 0 है ना, फिर भी देखो बेटा वो फोर्स लगा रहा है ना बेटा, बोलो बोलो फिर भी वो फोर्स लगा रहा है ना, इस बॉडी पे हमारा नेट चार्ज 0 है, फिर भी देख बेटा इस पे फोर्स लगाया, 0 तो नहीं हुआ फोर्स है ना बेटा, इससे क्या सीखने को मिला बेटा हमको है ना, कि जिस बॉडी को हम सोचते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव है, न्यूट्रल है ना बेटा, ऐसी बात नहीं है, है ना, जैसे कि देख बेटा यहाँ प्लस और माइनस चार्ज के बीच में डिस्टेंस 0 नहीं है बच्चा है ना, बिल्कुल वैसे ही सोचो जो एटम्स होते हैं बेटा है ना, जो एटम्स होते हैं उसके न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज,
इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है ना बेटा, है एक जगह पे नहीं होता ना, ठीक है। तो देख बेटा, एटम भी हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज जीरो है बच्चा, है ना, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में कुछ दूरी है बेटा, और उस दूरी की वजह से वो दूसरे किसी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगा सकता है ना बेटा, बात समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन करके हमारा कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुआ बच्चा, देखो एक क्वेश्चन करके हमारा कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुआ, तो हम कहेंगे बेटा, हम क्या कहेंगे, नोट में एक पॉइंट बेटा, क्या कहेंगे हम लोग, ए न्यूट्रल एटम में एग्जर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना बेटा। एक एटम जो है बेटा वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा भी सकता है बेटा और महसूस भी कर सकता है ना बेटा, बात समझे ना। हा वैष्णवी, इसको डायपोल ही कहते हैं, इसको डायपोल ही कहते हैं, है ना बच्चा, बात समझा। तो देख बेटा, चूंकि हम लोगों ने भी समझ गए बात, हम लोग ये बात समझ गए कि एटम भी हमारा बेटा दूसरे बॉडी में फोर्स लगा सकता है ना बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग इंटर कर रहे हैं बेटा किसमें, अब हम इंटर कर रहे हैं कूलम्स लॉ, फिर से वापस कूलम्स लॉ, फिर से वापस, है ना बेटा। लेकिन पहले मैंने क्या कहा था बोलो, इन वैक्यूम कहा था ना बेटा, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं बेटा इन्हें मीडियम, इन्हें मीडियम, अब किसी मीडियम की बात करूंगा, है ना बेटा। तो इमेजिन कर ले, ये पूरा हमारा क्या है बेटा, मीडियम है, ये पूरा हमारा क्या है बेटा, मीडियम है, है ना। तब तुम खुद सोचो बेटा, अगर ये मीडियम है तो यहाँ बहुत सारे एटम्स है ना बेटा, यहाँ बहुत सारे एटम्स है ना बेटा, है ना। तो अब सोचो कि अगर तुम कहते हो बेटा कि इस पे हम यहाँ एक चार्ज रखेंगे Q1, यहाँ एक चार्ज रखेंगे बेटा हम लोग क्या, Q1, है ना बेटा, और यहाँ एक चार्ज रखेंगे बेटा क्या हम लोग, Q2, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी होगी बेटा R, है ना। तो बोलो बेटा अभी इस सिस्टम में कितने मेंबर्स हैं, अभी इस सिस्टम में कितने मेंबर्स हैं, तीन, कौन कौन से, Q1, Q2 और तीसरा कौन, मीडियम, है ना बेटा, तीसरा कौन बेटा, मीडियम, है ना बेटा। इसका मतलब बताओ, अगर इस बॉडी पे कोई फोर्स लगा तो उस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, उस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, तो Q1 लगाएगा, है ना बेटा। और अभी हमने सीखा था पिछले सवाल में कि मीडियम भी लगा सकता है ना बेटा, बोलो, है ना बेटा, Q1 भी और मीडियम भी, है ना बेटा, बात समझ गया ना। तो देख बच्चा, क्या यहाँ पे एक एटम है, नहीं ना बेटा, एटम्स तो यहाँ बहुत सारे है ना बेटा, एटम्स तो यहाँ बहुत सारे है ना बेटा। तो सोचो अगर एक एटम होता या दो एटम होता तो चलो हम लोग वेक्टर एडिशन से काम कर लिए होते, लेकिन यहाँ तो बेटा बहुत सारे एटम है, है ना। तो बेटा हम बहुत सारे का वेक्टर एडिशन तो नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, है ना बेटा। तो इसके लिए भी हम कूलम्स लॉ का सहारा लेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, अभी भी हमारा कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है ना। कूलम्स लॉ क्या कहता है बेटा अभी भी, कि एफ जो हमारा होगा ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और प्रोपोर्शनल टू R², है ना बेटा। लेकिन अब हम लोग ये बात समझते हैं बेटा, क्या समझते हैं, कि जो एफ यहाँ पे कहा गया, ये जो एफ कहा गया वो एफ क्या है, ये F Q1 Q2 है, बोल बेटा, आपस का फोर्स है, और प्लस F मीडियम भी है, बोल बेटा, है ना, मीडियम भी फोर्स लगा रहा है ना बच्चा। अब जो F है वो चार्ज पार्टिकल का फोर्स तो है ही बेटा, और मीडियम का भी फोर्स है ना, बात समझे। तो देख बेटा, F Q1 Q2 का मतलब क्या हुआ, F Q1 Q2 का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे F Q1 Q2 का मतलब हुआ फोर्स बिटवीन चार्जेस, है ना बेटा, क्या कहेंगे, फोर्स बिटवीन चार्जेस, है ना बेटा। अब बोलो फोर्स बिटवीन चार्ज मतलब, इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स, इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स, है ना बेटा। तो जो आपस का फोर्स होता है बेटा
उसको तीसरे मीडियम से कोई मतलब नहीं होता ना बेटा, बोल, तीसरे मीडियम से कोई मतलब नहीं होता है ना, बोलो, है कि नहीं? क्या कहोगे? ये जो हमारा है ये तो वही है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, जहां पे k की वैल्यू कितनी 19 पावर 9, मतलब जो फॉर्मूला तुम वैक्यूम में इस्तेमाल करते थे वही फॉर्मूला अभी भी होगा, किसके लिए? चार्जेस के आपस के फोर्स के लिए, है ना बेटा? ये वैक्यूम वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, है ना बेटा? फिर से, फोर्स बिटवीन चार्जेस मतलब तीसरा बॉडी इन्वॉल्व नहीं हुआ, तीसरा बॉडी इन्वॉल्व नहीं हुआ इसका मतलब तीसरे की जरूरत नहीं है, तो तीसरे को हटा लो तो क्या हो गया? वैक्यूम, तो वैक्यूम वाला फोर्स लगा देंगे बेटा। बात समझ गया ना? ठीक है, अब ये वाला फोर्स जो है बेटा इस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा बेटा, बोलो? बन जाएगा एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। लेकिन मैंने बोल दिया कि इसको केडस, पहले कहा था के, अब बोल रहा हूं केडस, ठीक है बेटा? और क्या कह दोगे? दिस केडस इज इक्वल टू 1/4πε, 1/4πε, है ना बेटा? दिस एप्सिलॉन क्या है बेटा? इसको कहेंगे परमिटिविटी ऑफ ऑफ मीडियम, है ना बेटा? ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना बच्चा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर एक नया टर्म आया, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है बेटा? ये है रिलेटिव परमिटिविटी, है ना बेटा? याद करो पिछले क्लास में क्या कहा था मैंने, व्हाट इज परमिटिविटी? तो कहना परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विद द हेल्प ऑफ विच इट कंट्रोल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना बेटा? बात समझा? रिलेटिव परमिटिविटी मतलब, तो कहना बेटा द रेशियो बाय विच परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना बेटा? एप्सिलॉन आर हमें क्या बतलाता है कि ये वैक्यूम के मुकाबले में इसकी परमिटिविटी कितनी गुना बड़ी है। अगर 2 गुना बड़ी है तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू 2, अगर 3 गुना बड़ी है तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू 3। समझा बेटा? ये जो एप्सिलॉन आर है बेटा हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, है ना बेटा, और इन्फिनिटी से छोटा होगा। समझा बेटा? बात समझा? ठीक है, 1 किसके लिए? तो कहेंगे 1 इसके लिए जब क्या हो बेटा, आइडियल इंसुलेटर हो। 1 हमारा क्या है? आइडियल इंसुलेटर। एड ये किसके लिए बेटा, बोलो? आइडियल कंडक्टर के लिए, ठीक है बेटा, है ना? आइडियल इंसुलेटर किसे माना गया? वैक्यूम को माना गया, ठीक है बच्चा? लिख ले इसको, इसी को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना बच्चा? इसी एप्सिलॉन आर को बेटा, इसी एप्सिलॉन आर को, इसको ही डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसको ही डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है बच्चा? ठीक है बेटा, देखो बेटा, तो अगर मैं बेटा इस चीज को यहाँ पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा केडस इक्वल टू 1/4πε0εr, ये हो जाएगा ना बेटा 9/10 पावर 9 बाई एप्सिलॉन आर, बोल बेटा, है ना? बात समझा बेटा? ठीक है, तो क्या कह सकते हो बेटा इसको? इसको तुम ऐसे कह सकते हो बेटा, एफ इन मीडियम
एफ वेक्टर इन मीडियम, है ना बेटा, एफ इन मीडियम इज इक्वल टू एफ वेक्टर वैक्यूम, है ना बेटा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, बोल तो बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना, एफ इन मीडियम क्या होगा, तो कहेंगे एफ वैक्यूम प्लस फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम, है ना बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो कहना फोर्स बिटवीन चार्जेज प्लस फोर्स बाय मीडियम, है ना बेटा, मीडियम भी फोर्स लगाएगा, ठीक है बेटा, अलीक लिख रहा है पर सर वैक्यूम का तो रेजिस्टेंस फाइनाइट होता है और वो रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट से प्रोड्यूस होता है, गलत सोचते हो बेटा तुम, ये तुम गलत सोचते हो, है ना बेटा, इस माय डाउट का जवाब मिल सकता है, वेट कर लो जब पढ़ेंगे करंट, अभी करंट को इसमें इंटरफेयर मत करो बच्चा, तो चलो बच्चा अभी के लिए इतना ही, आज के लिए बेटा इतना ही, है ना, डिस्कशन आज नहीं किया बेटा हम लोगों ने, नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, और आगे का तुम्हारा होमवर्क दे दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क क्या है बेटा, देखो पहले मैंने क्या कहा था, एक्सरसाइज 2 और 3 का पार्ट 1 कंप्लीट कहा था ना मैंने, अब बोल रहा हूं मैं वर्क एनर्जी पावर, है ना, पूरा ही कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लो, ठीक है बेटा, यही तुम्हारा होमवर्क है ना, और डीपीपी नहीं दे रहा, जहां तक किए थे वहीं तक, ठीक है बच्चा, चलो बाय, हैव ए गुड डे।